अपनी मां की कोरोना के संक्रमण के चलते अस्पताल में हुई मौत के बाद आज अस्पताल प्रबंधक व वहां के स्टाफ पर पैसे लेकर उपचार में लापरवाही करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने कहा कि अस्पताल में जानवरों के जैसा बर्ताव कोरोना मरीजों के साथ किया जा रहा है, अस्पताल पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में स्थित MTS हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। यहां अनीता वर्मा नामक महिला को भी कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद भर्ती किया गया था, लेकिन महिला की 3 दिन बाद मौत हो जाती है। मौत के बाद मृतका की बेटी ने आज सुबह पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर मीडिया के सामने MTH अस्पताल के स्टाफ पर पैसे लेकर उपचार करने का आरोप लगाया है। युवती ने कहा कि यहां मरीजों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा, ऐसे अस्पताल के स्टाफ पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे कंप्लेन करना था MTH हॉस्पिटल के अगेंस्ट कि वहाँ पर बहुत लापरवाही चल रही है पेशेंट्स के साथ। कोविड पेशेंट को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसों का धंधा हो रहा है वहाँ पे। कोविड पेशेंट के साथ जान के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं कि बस 2 दिन एडमिट करते, 3rd दिन तो वहाँ पे मरने की खबर आ जाती है कि आपके पेशेंट की डेड बॉडी है, ले जाना चाहे तो ले जाए, अदरवाइज हम अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय कर दें। बस ये वहाँ पे खेल चल रहा है, पैसे ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी उनसे इंजेक्शन के नाम पर पैसे ले रहे हैं। आपके रंग भी कोई थी हताहत हुई? मेरी मदर अनीता वर्मा जी की डेथ हुई है अभी 9 अप्रैल को मॉर्निंग 4:40। अच्छा, उनके संग कोई चोरी हो रही है, कुछ हुआ था? उनके इयर रिंग्स और नाकी नथ उन्होंने चुरा ली थी, बट ऊपर अथॉरिटी से कॉल आया तो उन्होंने लौटा दी कि आपके पेशेंट का हमने निकाल के, जबकि बॉडी ऑलरेडी MYH पहुंचा दी थी। डेथ क्या कोरोना से हुई थी? कोरोना तो सस्पेक्टेड थी, सस्पेक्टेड तो मुझे नहीं लगता कि कुछ कोरोना होता है। आई थिंक निमोनिया लिखा हुआ था उन्होंने और उनको कोविड के सेशन में डाला हुआ था, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही उनकी थी कि बिना किसी टेस्ट के उनके कोविड के सेशन में डाले। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि MTH के खिलाफ कड़ी से कड़ी लापरवाही है, उनके डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहती हूँ। वहाँ और भी मरीज परिजन परेशान हो रहे हैं। हमारे पीछे में एक आंटी थी, उनका डेथ हुआ 1 दिन पहले जस्ट MTH, उनके कान की भी इयररिंग चुरा ली उन्होंने। अच्छा, नहीं और भी परेशानी हो रही है वहाँ पर अस्पताल में? और भी परेशानी, मतलब कोई भी तरीके से बात नहीं करता है, कोई भी वेल बिहेव नहीं करता है, हर कोई मतलब अपनी मनमानी चलाता है हर पर्सन के साथ। जैसे कि हमने जानवर छोड़े हुए हैं, अब जानवरों को इलाज कर रहे हैं, ऐसे वो पेशेंट्स के साथ व्यवहार करते हैं और उनकी फैमिली के साथ तो उससे भी गंदा व्यवहार करते हैं। आपका नाम बताओ? यशस्वी वर्मा।